नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे BBK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। न्यू दिल्ली इंडियन टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी और उनकी बेगम हसीन जहां के बीच विवाद में एक बार फिर एक नया खुलासा हुआ है। बता दें कि बीते दिनों हसीन जहां ने अपने शौहर मोहम्मद शमी पर मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगाए थे। हसीन जहां ने इन आरोपों में मोहम्मद भाई नाम के शख्स का कई बार जिक्र किया था। हसीन जहां ने बताया था कि मोहम्मद भाई और शमी के बीच पैसों का लेन देन हुआ है। मोहम्मद हानसला उर्फ मोहम्मद भाई ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में ये कहा था कि लंदन में उनका बिजनेस है। उनका कहना है कि हसीन कई बार लंदन आती थी तो उनसे मुलाकात होती थी। जब भी हसीन जहां लंदन आती थी वो उनको वहां घुमाया करते थे। मोहम्मद भाई ने कहा कि मोहम्मद शमी पर लगे मैच फिक्सिंग के आरोप गलत हैं और न ही उन दोनों में पैसों का लेन देन हुआ है। साथ ही मोहम्मद भाई का कहना है कि हसीन जहां ने कहा था कि वो और मोहम्मद शमी दुबई में अलिशबा नाम की लड़की से मिले थे, तीनों में संबंध भी थे। मोहम्मद भाई का कहना है कि वो अलिशबा को नहीं जानते और न ही इससे पहले उसका नाम कभी सुना है।